दोस्तों ये है 70 दशक के महान अभिनेता शशि कपूर जी का घर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस के ब्लॉग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं 70 दशक के महान अभिनेता शशि कपूर जी का घर। दोस्तों शशि कपूर जी का पूरा नाम बलबीर राज कपूर था और इनके पिता का नाम पृथ्वी राज कपूर। आपको बता दें शशि कपूर जी 3 भाई थे, शशि कपूर, शम्मी कपूर और राज कपूर। और जो राज कपूर हैं उनके 3 बेटे थे, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। आपको बता दें जो कपूर खानदान है ना, उसने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, वो अभिनेता के रूप में हो या बहुत ही बड़ी बड़ी और अच्छी फिल्में हों। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि हमारे 70 दशक के महान अभिनेता शशि कपूर जी मुंबई में कहां पर रहते थे, उनका घर कहां पर है और उनके पिताजी के द्वारा बनाया गया पृथ्वी राज थिएटर कहां पर है। और अभी जो मैं आपको घर दिखाऊंगा ना, इस घर को शशि कपूर जी ने ही बनवाया है। तो आप लोगों ने पुरानी फिल्म दीवार, नमक हलाल, शर्मीली, हसीना मान जाएगी देखा ही होगा। इन सभी मूवी में हीरो का रोल अदा किया था शशि कपूर जी ही ने। शशि कपूर जी को बहुत सारे लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं और साथ साथ में ये भी बताने वाले हैं कि अभी उस घर में कौन रहता है और उनके फैमिली में कौन कौन है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये जो गेट है ये शशि कपूर जी के घर का मेन गेट है और आप लोग ये बिल्डिंग देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग को, इस घर को शशि कपूर जी ने खुद बनवाया था। आपको बता दें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम तक उसे पहुंचाने में कपूर खानदान का काफ़ी योगदान रहा है। वहां पर आप लोग अंदर देख सकते हैं कोई उनकी गाड़ियों को साफ कर रहा है। फिलहाल अभी शशि कपूर जी तो नहीं हैं लेकिन उनके दोनों बेटे और बेटियां हैं और वो लोग अभी क्या करते हैं मैं आपको आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। कपूर खानदान ने बॉलीवुड को ना केवल कई बेहतरीन फिल्में बल्कि कई सुपरस्टार अभिनेता भी इस इंडस्ट्री को दिए हैं। और वहीं पर कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले शशि कपूर का नाम भी बॉलीवुड के उन महान अभिनेताओं में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय के जरिए काफ़ी लोगों का दिल जीता है। शशि कपूर ने कई सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है, साथ ही इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आपको बता दें बलबीर राज कपूर यानी शशि कपूर का जन्म पृथ्वी राज कपूर के यहाँ हुआ था। पृथ्वी राज जी इनके पिता थे। कलकत्ता में जन्मे बलबीर राज कपूर को उनके परिवार के लोग प्यार से शशि बुलाया करते थे। शशि कपूर से बड़े उनके 2 भाई थे जो कि अभिनेता राज कपूर जी और शम्मी कपूर थे। शशि कपूर के परिवार के लगभग सभी सदस्य फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। शशि कपूर जी का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम पृथ्वी राज कपूर और माता का नाम राम सरनी कपूर था। बचपन से ही शशि कपूर को अभिनय करने का काफ़ी शौक था और उनका ये शौक आगे जाकर उनका करियर बन गया। आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में शशि कपूर रहा करते थे। ये जो गेट है ये गेट उनके घर का मेन गेट है और वहाँ पर देखिए लिखा भी है 26 जानकी कुटीर पृथ्वी हाउस, 26 जानकी कुटीर मुंबई। इनके गेट के बगल में एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों शशि कपूर ने 1940 से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वहीं काफ़ी कम लोग जानते हैं कि इस महान अभिनेता ने बतौर बाल कलाकार 4 फिल्मों में काम किया है। अपने जीवन काल के दौरान शशि कपूर ने कुल 160 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है जिसमें से 12 फिल्में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में की हैं। 70 के दशक में शशि कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार,
कभी कभी, दूसरा आदमी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुईं। और फिल्मों में काम करते करते शशि कपूर जी की मुलाकात सन 1956 में जेनिफर केंडल से कोलकाता के एक थिएटर में हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने जुलाई 1958 में मुंबई में पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज से शादी कर ली थी। फिर शशि कपूर जी ने अपने पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का पुनरुत्थान किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी फिल्मों दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2 5, शान ने भी उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलवाई। इन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन का फिल्मलवाज लॉन्च की। उसके बाद इनकी पत्नी जेनिफर का निधन साल 1984 में कैंसर से हो गया था। पत्नी की मृत्यु के बाद शशि कपूर एकदम अकेले हो गए थे और उन्होंने फिल्मी जगत से दूरी बना ली थी। शशि कपूर और जेनिफर के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम हैं कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। शशि कपूर ने कुल 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड जीते हैं। उन्हें पहला फिल्मफेयर अवार्ड सहायक अभिनेता के लिए दिया गया था, जो कि दीवार फिल्म में उनके किरदार के लिए उन्हें मिला था। वहीं अगला फिल्मफेयर अवार्ड उन्हें जुनूर और कलयुग फिल्म के लिए दिया गया था। इतना ही नहीं, शशि कपूर को साल 2011 में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। वहीं साल 2015 में इन्हें फिल्मी जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। शशि कपूर और महान नायक अमिताभ बच्चन की जोड़ी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। इन दोनों अभिनेताओं ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था, जिनमें से कुछ फिल्में इस प्रकार हैं, दीवार, त्रिशूल, सुहाग, शान और नमक हलाल। दीवार फिल्म में शशि कपूर ने अमिताभ के छोटे भाई का किरदार निभाया था। दोस्तों, ये आप लोग जो गली देख रहे हैं, यहीं पर पृथ्वी थिएटर और पृथ्वी हाउस है, जो कि शशि कपूर जी के द्वारा बनवाया गया है। आपको बता दें, शशि कपूर ने 79 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस मुंबई में ली। लंबे समय से बीमार चल रहे इस महान कलाकार का निधन 4 दिसंबर 2017 को कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ था। अब चलिए आपको बताते हैं कि इनके 3 बच्चे क्या करते हैं। लेकिन ये घर जो आप लोग देख रहे हैं, ये शशि कपूर जी का ही घर है। सबसे पहले बात करते हैं कुणाल कपूर के बारे में। कुणाल कपूर ने सिद्धार्थ जो मूवी आई थी 1972, उस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। वह अपने पिता के साथ श्याम बेनेगल की जुनून में भी दिखाई दिए। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता, विजेता और उत्सव जैसी कुछ फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद उन्होंने एक्टिंग करियर से तौबा कर लिया, यानी कि दूरी बना ली। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एडवाइजमेंट कंपनी स्थापित की और टेलीविजन कॉमर्शियल एड का प्रोडक्शन और डायरेक्शन करना शुरू किया। 2015 में उन्होंने सिंह इज ब्लिंग में लगभग 30 सालों के बाद फिल्मों में वापसी की थी। वहीं पर उनके दूसरे बेटे करण कपूर हैं। शशि और जेनिफर के दूसरे बेटे को एडवाइजमेंट में आने में लगभग 20 साल बाद भी बॉम्बे डाइंग मैन के नाम से जाना जाता है। अपने भाई की तरह करण ने भी फिल्मों में किस्मत आजमाई है। जुनून के बाद उन्होंने 36 चौरंगी लेन 1981, सल्तनत 1986, लोहा 1987, अफसर 1988 में अभिनय किया है। हालांकि वह अपने पिता की तरह अपनी पहचान नहीं बना सके। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं बॉलीवुड की तलाश में बहुत अधिक विदेशी नजर आता था। मैं वापसी करना पसंद करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग मुझे देखना चाहेंगे या नहीं। अब बात करते हैं उनकी बेटी संजना कपूर की। संजना ने 36 चौरंगी लेन से शुरुआत की थी, जो उनके पिता ने ही बनाई थी। फिल्म में उनकी मां ने भी अभिनय किया था। उन्होंने फिल्म में अपनी मां के यंग लुक की भूमिका निभाई। उन्होंने 1988 में मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया, थिएटर पर ध्यान दिया। संजना ने 1993 से फरवरी 2012 तक प्रसिद्ध पृथ्वी
थिएटर चलाया। 2011 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर छोड़ दिया और 2012 में जुनून थिएटर लॉन्च किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे कई बार अभिनय की याद आती है लेकिन मैं एक आलसी एक्टर हूँ। आपको हर रोज कम से कम 8 घंटे रिहर्सल की ज़रूरत होती है और मेरे पास उस तरह का समय नहीं है, मेरा एक परिवार है। और फिर संजना कपूर ने कई सालों के रिलेशनशिप में रहने के बाद निर्देशक आदित्य भट्टाचार्य से शादी कर ली। शादी लंबे समय तक नहीं चली और फिर उन्होंने बाघों के संरक्षण में विशेष योगदान देने वाले वाल्मीकि थापर से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा है और वे अभी दिल्ली में रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो घर है ना, अभी यहाँ पर उनके बेटे रहते हैं और इनकी जो बेटी है वो अभी दिल्ली में और मुंबई यानी दोनों जगहों पर रहती हैं। तो ये जो आप घर देख रहे हैं इसी घर में शशि कपूर जी रहा करते थे। तो गाइज उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो यही वो घर है जिसमें हमारे शशि कपूर जी रहा करते थे।